निकले मैदान में हम जाते दीपर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। मुश्किलों से मुस्कुरा के और संघर्षों से सर उठा के मिलता है। उसे दबाओ चाहे कुछ तो मस्त रहता है, बस उसके घर को हाथ मत लगाना, वहाँ उसका कोई अपना रहता है। आम आदमी के खास जज्बे को सलाम, सावधान इंडिया सम्मान। थैंक यू। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। कम ऑन म्यूजिक। बहुत ही वन ऑफ अ काइंड एक नॉवल और एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया है उन्होंने जिसमें आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ। आई थिंक मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नो ऑल दीज वी प्ले ऑल दीज हीरोज एंड हीरोइंस ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम एंड एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट एक्टिंग, बट दीज पीपल एक्चुअली गो आउट देयर इन द सोसाइटी एंड फाइट फॉर पीपल लाइक अस, पीपल लाइक यू एंड मी। कभी कभी हम रास्ते से गुजर जाते हैं, किसी पे कुछ बुरा हो रहा होता है किसी के साथ, या कुछ इलीगल हो रहा होता है, या ईव टीजिंग हो जाए, या फिर रॉबरी हो जाए, या फिर कोई मारपीट हो जाए, तो हम रुकते नहीं, या इवन एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी हम रुकते नहीं। ऑल दीज पीपल एक्चुअली गो आउट देयर इन द सोसाइटी एंड आई थिंक इस शो से एसोसिएटेड होकर मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मूविंग है। एक्चुअली देयर वॉज वन गाय हु एक्चुअली जिन्होंने एसिड विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की, एक्चुअली मैरिड वन ऑफ द एसिड विक्टिम्स और एक्चुअली लखनऊ, राइट, वेयर इज़ इट, यू डोंट नो। सो दिस एक्चुअली आई थिंक इन लखनऊ सम प्लेस इज एक्चुअली ओपनड शी रोज, आई रिमेंबर द नेम ऑल्सो, कि शी रॉक, हर शी रो, सो शी रॉक्स, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शी रोज। एंड सारे एसिड विक्टिम्स जितने हैं वो चलाते हैं। एक आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट जहाँ पे एक रास्ते में कोई आदमी किसी के साथ कुछ किसी को मार कर बुरी तरह से उसका सब कुछ मतलब छीन लिया गया था उनसे, एंड देन ही डिसाइडेड कि ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। तो ही स्टार्टेड एक्चुअली मूविंग अराउंड विद अ बैट एंड ही यूज टू गो एंड ही यूज टू बीट एवरीबडी अप हूएवर वाज डूइंग द सेम थिंग। सो आई एक्चुअली फील वेरी गुड टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। एंड ऐसे नहीं कि हर जगह डांस, लाइक आई डांस एवरीवेयर एंड आई लाइक टू डांस, दैट्स व्हाई आई डू दैट, बट आई एक्चुअली फील वेरी वेरी हैप्पी टू एक्चुअली कम ऑन स्टेज। आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे इन लोगों ने यहाँ पे बुलाया है आज इन सब लोगों को सम्मानित करने के लिए। थैंक यू जी। जी वेल माय फेवरेट फेवरेटेस्ट कोरियोग्राफर पुनीत जे पाठक इज कोरियोग्राफिंग दिस इवेंट। सो अगेन आई थिंक मुझे ध्यान में रखकर और सेवन सिंस को ध्यान में, द थीम ऑफ द एक्ट इज द सेवन सिंस एंड व्हेन यू ओवरकम द सेवन सिंस इट इज एक्चुअली अ प्लेस वेर इट्स ऑनेस्ट एंड प्योर एंड फुल ऑफ लव। सो दैट इज व्हाट माई एक्ट मीन्स एंड तो बहुत अच्छा लगा परफॉर्म। ऑनेस्टली आई बीन वेरी लकी यू नो कि ऐसा कुछ इतना हुआ नहीं है, बट आई डू रिमेंबर कि दिल्ली में पढ़ती थी मैं, सो दिल्ली इज़ नॉट अ वेरी वेरी सेफ प्लेस फॉर वुमेन, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस। इट्स अ वेरी गुड स्टूडेंट्स, लाइक स्टडीज इज वेरी गुड, द एकेडमिक्स इज वेरी गुड, बट इट्स वेरी अनसेफ फॉर वुमेन टू एक्चुअली वॉक ऑन द रोड्स इन द नाइट एंड स्टफ। सो येस वन और ट्वाइस आई थिंक समबडी हैज़ पास सम कॉमेंट्स, बट आई हैव इमीडिएटली लकीली आई देयर वाज चेक नाकाज एंड आई ऑलवेज रिपोर्ट देम। I have slapped many in my life, in Delhi only. I have never been the kind who gets scared or anything. कभी कभी मुझे इतना ऐसे ही बोला जाता था कि यू नो काम डाउन, शांत हो जाओ, इतना मत किया करो, यू नो यू आर अ गर्ल एंड, बट आई थिंक वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं जो कुछ करते नहीं हैं, वो अपने मन में रख के एंड दे फील दैट, उन लोगों को डर लगता है बोलने के लिए भी, दे थिंक दैट इफ दे से दैट दे हैव बीन टीज्ड बाय अ गाय
लोग उन पर क्वेश्चन करेंगे कि तुमने क्या पहना था, तुम क्यों जा रही थी रात को इतनी रात को, तुमको क्यों लगा कि तुम अकेली लड़की होकर ऐसे जा सकती हो, क्यों नहीं जा सकती. आई मीन रोड उन लोगों का थोड़ी ना, स्पेशली उन बुरे लोगों का थोड़ी ना है जिनकी सोच बुरी है. सो यस एंड आई यस ओ माई गॉड आई डू रिमेम्बर. सो दिस इंसिडेंट हैपन इन कमला नगर मार्केट इन दिल्ली. And I think a guy was passing in a bike, and you know, me and my friend walking, and they tried to grab us. I actually kicked the bike, and because Kamla Nagar mein bahut bheed hoti hai, to wo ja nahi paya, and because I kicked, it just slided. I felt so happy. I've never felt so happy with somebody getting hurt. So. My real hero is and will always be my father, for my own reasons and the fact that he was the most honest and loving and caring man that I know. And I think fans से सभी viewers से जो भी देख रहे हैं आज यही बोलना चाहूँगी कि बुरा करने वाला उतना ही बुरा होता है, उतना ही responsible होता है जितना कि बुरा सहने वाला. So आवाज़ उठाइए, it doesn't take much. I think what it takes is a little bit of courage and for you to be honest. So go out there, if you see something, the least you can do is help someone out in a situation. If you can't, if you don't have the courage to do that, at least report the problem. At least go to your nearby police station, pick up your phones. Aajkal hum sab itne zyada media savvy ho gaye hain aur social sites pe hote hain. Why can't we use all these platforms for something good? So I think we all can do our bit. I for a fact I can be very very honest about that. Ki kuch wrong ho raha ho ya bura ho raha ho mujhse nahi dekha jata, chahe I think I have gotten into a lot of problems also because of that. But my father never asked me not to do the right thing. So I'll also request you to go out there and do the right thing and be with truth, the truth, the honesty. Thank you. Thank you. Thank you. See, ये बहुत first time हो रहा है और first time ही मैं यहाँ पर इसका हिस्सा ही नहीं बल्कि जब मैंने perform भी किया और मुझे इस इवेंट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था. बट यहाँ पर आने के बाद जब मैंने सभी रियल हीरोज़ की जब स्टोरी रियल में बैठे बैठे सुनी तो मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया. क्योंकि रास्ते में कभी भी मैं ऐसा देखता हूँ कि कभी किसी की गाड़ी किसी को ठोक दी तो उतर के सीधे झगड़ा, या फिर कभी किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है ये वो. तो अभी जैसे आप लोगों ने आई थिंक प्रैंक किया था ये समान इंडिया बॉर्ड्स वालों ने, तो वहाँ पर एक रियल में एक बंदा आके बचा रहा, तो मैं उस सारी चीज़ से अभी इंस्पायर हो चुका हूँ यहाँ पर रह के. और मैंने सिर्फ रियल हीरोज़ के सामने सिर्फ एंट्री ही नहीं, मैंने यहाँ पर परफॉर्म भी किया और उस परफॉर्मेंस में भी एक मैसेज था कि एक बच्चा भी बुराइयों को हटा सकता है अगर आप एकजुट हो जाओ तो. सो मैंने बहुत यहाँ पर इंजॉय किया और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर. आई थिंक मेरे रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ हो भी नहीं मेरी किसी भी लाइफ में भी ना हो. अगर इन केस होता है तो जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प करें. क्योंकि जब वो सिचुएशन में रहते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, तो बस उनकी हेल्प करें. अगर मेरे सामने अभी कभी ऐसा होगा तो बिल्कुल मैं छोटा हूँ लेकिन मैं अपना एफर्ट डाल दूँगा. भगत सिंह सर, बस मैंने वही मैसेज दिया, हर बार की तरह आप मुझे प्यार करते हैं, हमेशा करते रहे, ताकि मैं आपके सपोर्ट से ऐसे ऐसे इवेंट्स में आता रहूँ और अच्छे से परफॉर्मेंस दे के आप लोगों को खुश करता रहूँ. और जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही प्यार हमारे जो भी देश में लोग हैं, स्पेशली लड़कियाँ गर्ल्स, उनसे भी मतलब उनको उन्हें सपोर्ट करें. तो बस यही मैसेज है, आप लोग खुद को भी सेफ रखें और खुद लोगों को भी सेफ रखें. थैंक यू.